निकिता पेंसीगर एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मुझे कनाडा में आए हुए पूरा एक साल हो गया है एंड दिस ईयर हैज बीन रियली एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी या फिर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा मैं हंसी हूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा रोई हूँ। मेरे साथ स्कैम्स भी हुए हैं, मुझे लोगों ने इन्फीरियर फील भी करवाया है, लैंग्वेज बैरियर भी था, मैं अंदर कॉन्फिडेंट हो गई थी, सेल्फ डाउट था, डिप्रेशन था, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी मोमेंट्स थे कि जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, कल्चर को एक्सप्लोर किया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है यहाँ पे, एक्सपीरियंस की है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल ऑफ दिस, जो मेरे एक पूरे साल की जो हाईलाइट्स है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड मैं साथो साथ जो वो मोमेंट्स होगी उसका जो पिक्चर या फिर वीडियो होगा वो भी मैं अटैच कर दूंगी। एंड सेकेंडली, मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अबाउट कनाडा कि यहाँ पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। फिर जो लोग मतलब एकदम इंडियन कल्चर में पले बड़े हुए हैं, जिनको इंडियन कल्चर बहुत ही अच्छा लगता है, उनको यहाँ पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कौन सी है, कैसी है, एंड हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है या फिर एंड इमोशनल सिचुएशंस क्या है लोगों की। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझे करते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। या एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से मुझे मेरे जो पूरे साल की जो मेमोरीज है वो रिवाइंड हो जाएगी। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटिंग अबाउट दिस वीडियो, सो विदाउट फर्ड So without a further ado, let's quickly jump into the video. Okay, let's the journey begins. तो मैं 28 अप्रैल 2022 को यहाँ पे आई थी। मैं स्पॉट वीजा ओपन वर्क परमिट पे आई थी। मैं जब यहाँ पे आई थी तब बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी और दुखी भी थी, खुश इस वजह से क्योंकि मैं हेनल के साथ 5 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू मीट हिम हियर। एंड दुखी इस वजह से क्योंकि मैं मेरी फैमिली से कभी भी अलग नहीं रही हूँ। सो इतना दूर रहने का सोच के ही मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। सो मेरी मेंटल सिचुएशन उस टाइम पे बहुत ही मिक्स थी, बट हम पहले यहाँ पे आए, मैं पहले यहाँ पे आई, हम हेनल के आंट के घर पे रुके थे एंड दे आर वेरी लवली वेलकमिंग पीपल। सो हम उनके घर पे रुके, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगह पे घुमाया, वॉलमार्ट दिखाया सबसे पहले, तो फिर एक वीक के बाद मैं और हैनल एक अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए एंड वहाँ से हमने सब स्टार्ट किया, लाइक हमारा किचन सेटअप किया, फिर हमारा स्टडी टेबल सेटअप किया, हमारा कंप्यूटर टेबल सेटअप किया, पूरा रूम सेटअप किया, यहाँ पे भाव देखना, फिर उसके हिसाब से सब शॉपिंग करना। इट वॉज लाइक मैं बड़ी हो रही हूँ। सो वैसे करते करते हमने सब कुछ सेटअप किया एंड हैनल मुझे साथों साथ सब कुछ सिखा रहा था कि यहाँ पे लोग ग्रोसरी कैसे करते हैं या फिर बस में ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज़ प्रेस्टो कार्ड, यहाँ पे लोगों का जनरल बिहेवियर कैसे होता है। सो ही वॉज टीचिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑफकोर्स हम जब यहाँ पे आते हैं तो हर चीज़ को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं एंड वो जो मेरी मेंटेलिटी थी उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। लाइक मैं ग्रोसरी करने भी जाती थी, आई वॉज कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू 60 एंड नहीं, क्योंकि हम ग्रोसरी करने गए थे फर्स्ट टाइम एंड द बिल अमाउंट वॉज $100। मैं सोच रही थी यार 100 × 60 मतलब 6,000 रुपये में तो पूरे महीने के 4-5 लोगों की ग्रोसरी आ जाती है, और ये तो हम दोनों के सिर्फ 1 वीक, लाइक इट वॉज टू एक्सपेंसिव मैन। एंड उस टाइम पे हैनल का भी वर्क फ्रॉम होम था तो मुझे इतना लोनली फील नहीं हो रहा था। एंड वीकेंड्स पे तो हम बहुत ज़्यादा जगह पे घूमे हैं, लाइक मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा जगह पे हैनल ने मुझे घुमा लिया है, लाइक वी वेंट टू सीएन टावर, देन हम फैमिली के साथ पूरी फैमिली के साथ नाइग्रा फॉल्स गए थे, वसागा बीच गए थे एंड समर भी स्टार्ट हो गया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाइक एवरीथिंग वॉज लाइक न्यू थिंग्स। ओ वाओ, ऐसा भी होता है यहाँ पे, ऐसा भी होता है यहाँ पे, ऐसा भी होता है। सो ऐसे सारे फीलिंग्स आ रही थी एंड आई वॉज रियली हैप्पी एट दैट टाइम, रियली रियली हैप्पी। एंड इसी के साथ मेरी जो इंडिया की जॉब थी डिजिटल मार्केटिंग की वो भी चल रही थी। सो द थिंग इज़ कि मैंने जब प्लान किया कि मुझे अभी 1 साल के अंदर कनाडा जाना है, तभी मैंने यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना स्टार्ट कर दी थी,
एंड आई फाउंड आउट कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है. सो आई स्टार्टेड टेकिंग अ कोर्स, 6 मंथ का कोर्स था वो डिजिटल मार्केटिंग का. सो मैंने कंप्लीट किया एंड उसके बाद वहीं से मुझे प्लेसमेंट मिल गए थे एक अच्छी जॉब की. तो वो जो कंपनी थी वो US की कंपनी थी, तो मैं इंडिया से रिमोट वर्क कर रही थी. सो वही जॉब मेरी यहाँ पे भी कंटिन्यू थी इस सबके साथ. सो आई वॉज डूइंग माई इंडियन जॉब हियर, लेकिन उस टाइम पे मैं यहाँ पे कोई भी जॉब फाइंड नहीं कर रही थी. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मुझे यहाँ की जॉब फाइंड करनी है. एंड देन द रियल प्रॉब्लम बिगिंस, लाइक ओ माय गॉड, जॉब फाइंडिंग वॉज लाइक. मैंने लिंक्डइन को अपडेट करना स्टार्ट किया, मेरी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाया एंड फिर मैंने अपना रिज्यूम अपडेट किया एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब. लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था, लाइक कुछ भी नहीं. देन आई डिसाइडेड टू डेवलप माई स्किल्स एंड उसके लिए मैंने कुछ यूडेमी कोर्सेज लिए डिजिटल मार्केटिंग के. देन यूट्यूब से कुछ सीखा डिजिटल मार्केटिंग का. उसके बाद मैंने वापस रिज्यूमे अपडेट किया एंड अगेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब्स एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यूज आना स्टार्ट हो गए थे. बट आई गॉट रिजेक्टेड मैनी टाइम्स, लाइक मैनी टाइम्स. एंड दैट वॉज द रियली रियली टफ पार्ट. एंड उसके बाद मैं ब्लॉग्स भी लिखती थी लिंक्डइन पे अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. उसको देख के मुझे एक US की कंपनी ने अप्रोच किया कि हमें डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. तो हमारा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ एंड आई पास दैट इंटरव्यू एंड आई वॉज सो हैप्पी मैन, लाइक सो सो हैप्पी. बट यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ. लाइक स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरी जॉब भी अच्छी चल रही थी, काम भी अप्रिशिएट हो रहा था, सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी. सो आई वॉज रियली हैप्पी. बट कुछ टाइम के बाद उन लोगों ने मुझे सैलरी देना बंद कर दिया. तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि मेरी सैलरी नहीं आई है. तो बोला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. ऐसे करते करते उन्होंने बहुत टाइम खींचा. उसके बाद मुझे पता चला कि इट वॉज अ स्कैम. सो ऐसा हुआ था मेरे साथ. एंड उसके बाद मेरी एक दूसरी जॉब पे लगे थे, लेकिन वो जो ओनर था वो काफ़ी रूड था, मुझे इनफीरियर फील करा रहा था, इंडियंस के बारे में बहुत कुछ बुरा बोल रहा था एंड ही वॉज सो रूड. सो मैंने वो जॉब भी कंटिन्यू नहीं की. देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स एंड जॉब्स एंड जॉब्स. सो ये तो हुई सारी जॉब की प्रॉब्लम्स. बट इवेंचुअली आई फाउंड अ रियली गुड जॉब जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगी. बट Now, the another biggest problem was the food. To find the real, authentic, tasty, delicious, spicy Indian food in Canada is the biggest challenge. No doubt, यहाँ पे बहुत सारे Indian restaurants हैं जहाँ पे अच्छा अच्छा खाना मिलता है, लेकिन वो जो माँ के हाथ के खाने का टेस्ट आता है वैसा नहीं मिलता. So मैंने और हनल ने डिसाइड किया कि हम खाना बनाना सीखते हैं. तो हमने मम्मी से पूछा, फिर यूट्यूब से सीखा कि कैसे अच्छा खाना बनता है एंड उसके बाद हमारी वो जो कुकिंग की हैबिट थी वो बिल्डअप हुई. मैंने और हनल ने मिलकर बहुत सारी अच्छी अच्छी इंडियन डिशेस बनाई एंड दैट वॉज द रियली रियली फन एंड लविंग पार्ट. सो ऐसे इस समय मेरी नई कुकिंग की हैबिट बिल्डअप हुई है. और इस सब के बीच में हम बहुत अच्छी अच्छी जगह पे घूम रहे थे, तो उसकी भी मज़ा आ रही थी. जॉब का भी टेंशन था, फूड की मज़ा आ रही थी, लेकिन फैमिली को मिस कर रहे थे. और बीच में मेरे पापा को कोविड हो गया था, हैनिल को कोविड हो गया था, तो उस टाइम पे भी बहुत ही मैं स्ट्रेसफुल थी, लेकिन थैंकफुली वो भी अच्छा हो गया. फिर इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो गए थे. स्टार्टिंग में मुझे फॉर्मल लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि मैं और हनल बहुत टाइम के बाद साथ में मिलके ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे. तो इट वाज़ अ रियली गुड एंड ग्रेट मोमेंट फॉर अस. हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी, फिर हमने नवरात्रि सेलिब्रेट की थी. तब नवरात्रि में जाके मुझे लगा कि कनाडा में इतने सारे इंडियन पीपल हैं एंड स्पेशली गुजराती. बहुत ही मज़ा आ गया था, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. फिर हम ऐसे बैंक्वेट हॉल में भी गए थे नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए. सो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. एंड फिर हमने दिवाली भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट की थी. हमने रंगोली भी बनाई थी, दिए भी किए थे.
घर पे सजाया था, लाइट्स लगाई थी, भगवान की पूजा की थी, फिर फ्रेंड्स को मिले थे, फैमिली को मिले थे। सो उस टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। इंडिया में वीडियो कॉलिंग चल रहा था कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो लोग हमें दिखा रहे थे कि हम लोग ऐसा कर रहे थे। मिस तो कर रहे थे ऑब्वियसली, बट एक अलग तरीके से हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, सो आई वॉज हैप्पी। और उसके बाद आया फॉल, हमने धीरे धीरे विंटर की शॉपिंग स्टार्ट कर दी। लाइक मैंने जैकेट ले लिया था, फिर विंटर बूट्स लिए, एंड फॉल कलर्स देखने के लिए हम बहुत जगह पे घूमे, तो अच्छा लग रहा था। एंड हम ट्रैकिंग पे भी गए थे, इट वॉज सो 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 ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द कनाडा। फिर स्टार्ट हुआ विंटर, बट विंटर के बारे में मुझे पहले से सबने अलर्ट कर ही दिया था कि अभी रियल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, सो आई वॉज डैम प्रिपेयर्ड। एंड मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 15 या 16 नवंबर को फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था, वो दिन पे मैं आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्नोफॉल था, मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। तो मैं सो रही थी, हैंडलर मुझे जगाया, जल्दी उठ स्नोफॉल हो रहा है। एंड आई वॉज लाइक लिटिल किड, मैं फटाफट से अपनी बालकनी में गई एंड स्नोफॉल को फील कर रही थी। देन उसके बाद धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगी, लाइक 15, 10, 5, 4, -2, -5, oh my god, -10। फिर यहाँ पे जो विंटर के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं वो हमने सेलिब्रेट किए, लाइक डिस्ट्रिक्ट में गए थे, दैट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा था। फिर हमने आइस स्केटिंग ट्राई किया था। सो ऐसे करते करते दिसंबर आ गया, एंड दिसंबर में मैं ऐसे जॉब अप्लाई कर रही थी, तो एक कंपनी में मैंने जॉब अप्लाई की, वहाँ से मेल आया कि हमें इंटरव्यू स्केड्यूल करना है। तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं था, इन ऑफिस आना था, तो मैं वहाँ पे गई एंड फिर लकीली उसमें मेरा हो गया एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, फाइनली आफ्टर सो मेनी वेट, सो मेनी ट्राइज, सो मेनी क्राइज, आई गॉट अ रियली रियली फैंटास्टिक जॉब एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। करंटली आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन अ IT कंपनी एंड आई एम रियली हैप्पी विथ माई जॉब। एंड मेरी जो जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है, मुझे एवरीडे ऑफिस जाना होता है, तो आई ट्रैवल बाई बस लाइक 9 to 5, एंड अभी तो मेरा टाइम चेंज हो गया है, 8 to 4 में जाती हूँ जॉब पे। फिर यहाँ से मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई, रोज सुबह उठना, फिर ऑफिस जाना, वहाँ से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। इनिशियली इट वॉज हार्ड क्योंकि मैंने बहुत टाइम से घर से ही काम किया था, तो ऐसे ऑफिस में जाके काम करना थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लग रहा था स्टार्टिंग में, बट वो भी धीरे धीरे सेट हो गया। फिर आई क्रिसमस, तो क्रिसमस में यहाँ पे मोस्टली लाइक बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हमने शॉपिंग की थी। फिर हैनल को भी छुट्टी थी, तो हम घूमने गए थे, नायग्रा फॉल्स वापस गए थे हम, होटल से वो फॉल्स का व्यू देखा था, इट वॉज सो मैजिकल। और उसके बाद हैनल की बर्थडे आई, हमने बहुत टाइम के बाद साथ में सेलिब्रेट की। एंड जनवरी से हम दोनों की जॉब वापस फुल फ्लेज स्टार्ट हो गई, हम लोग पर्सनल ग्रोथ में फोकस करने लगे, मैं मेरे जॉब में, हैनल उसकी जॉब में, और हम ऐसे, मैं रोज़ आती हूँ, हैनल को रोज़ नहीं छाना होता है, लेकिन रात में साथ में मिलकर हम खाना बनाते हैं एंड सुबह ऐसे जॉब पे जाते हैं, देन वीकेंड्स पे हम घूमने जाते हैं। ऐसे करते करते जनवरी, फरवरी, मार्च निकल गया एंड दिस इज़ अप्रैल, अप्रैल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एंड ये सभी के साथ एक थॉट तो कंटिन्यूस रहता है कि कब इंडिया जाने को मिलेगा, एंड होपफुली कि हम इंडिया फैमिली को मिलने जा सके जल्दी से। एंड या दैट्स द होल जर्नी, लाइक हाइलाइट्स ऑफ माय 1 year। एंड नाउ आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि यहाँ पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज्ड है, लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस। सो अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपकी इंडिया में अच्छी जॉब है या फिर अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है आपका, एंड यू आर हैप्पी विथ योर लिविंग स्टाइल इन इंडिया, तो यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। बट अगर आप IT, मेडिकल या फिर मार्केटिंग में हो और आपका इंडिया में करियर सेट नहीं है, आपको इम्प्रूव करना है, तो आप डायरेक्ट PRP आ सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन हु कैन टॉक अबाउट स्टूडेंट वीज़ा क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है।
बट मैं डायरेक्ट पीआर की बात कर रही हूँ। तो अगर आप आईटी या फिर मार्केटिंग या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से हो एंड अगर आपका इंडिया में करियर सेट नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हो डायरेक्ट पीआर पे। उसमें आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा पर आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब आप यहाँ पे अच्छे खासा अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि जो लोग ऐसा मानते हैं कि कनाडा में जाके कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, मिनिमम वेज में भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है तो अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको इंडिया से वो सैलरी ज़्यादा लगती होगी लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पे चेक टू पे चेक ही जीना पड़ता है। आप पूरे साल या पूरा टाइम वॉलमार्ट में या फिर टिम हॉर्टन्स में जॉब नहीं कर सकते, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है, हार्डवर्क है। इससे अच्छा तो आप इंडिया में रहकर आपकी फील्ड की ही जॉब करो। सो आई थिंक मैंने इस आंसर में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अनदर क्वेश्चन इज कि मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि इट्स 50-50। अच्छा लगता है क्योंकि मेरा पर्सनल ग्रोथ हुआ है, हैनल के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनी है, बहुत अच्छी जगह पे मैं घूमी हूँ, एक नया कल्चर मैंने एक्सप्लोर किया है, एक अलग कंट्री को एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला है। नहीं अच्छा लगता है उसके रीजंस है, फर्स्ट इज फैमिली, क्योंकि मुझे उनके बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। आई कांट स्टे अवे फ्रॉम दैम फॉर सो लॉन्ग। ये एक रीज़न हो सकता है कि मैं इंडिया वापस चली जाऊँ लाइक परमानेंटली, वो अगर यहाँ पे आ जाए तो आई वुड बी द हैप्पीएस्ट, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, दैट आई नो। एंड द अनदर रीज़न कि यहाँ पे सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है, लाइक बर्तन है या फिर साफ सफाई है, कुकिंग है, लाइक घर मैनेज करना, ऑफिस का काम मैनेज करना, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना, ये सब कुछ कभी कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो यह दिस इज द शॉर्ट एंड सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस वन ईयर हैज़ बीन सो फार सो गुड एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले होगी या फिर मेरी स्टोरी सुनने में आपको मजा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, आपको मज़ा आया हो तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।